वेलकम गाइस, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू फ्रेम दी सेंटेंसेस इन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत आसान होते हैं, इनको एक बार समझ लें हम तो हम इनको कभी भूल भी नहीं सकते, चाह करके भी नहीं भूल सकते। तो मैं आपको उस तरह के अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उन टाइप्स में ना पढ़ के पहले सिंपल प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और उनको अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन सुधर सके। ऑलराइट, सो देयर आर 150 वर्ड्स विच आर यूज एज अ प्रेपोजिशन। 150 वर्ड हैं जिनको हम प्रेपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं। इनकी 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं उन 5 कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि वी विल नॉट गो टू इनटू दैट डीप। वो ग्रामर का बहुत ही एक डीप पार्ट होता है, वो अक्सर हम एकेडमिक्स में पढ़ाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द बोर्ड, अंडरस्टैंड द प्रेपोजिशन। इस क्लास को आप अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको काफी डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम ऑन, ओवर, अबव कहां लगाएं, क्योंकि हर किसी का मतलब तो ऊपर होता है और या पर होता है। सिमिलरली हम इन, एट, अंडर में इश्यू होते हैं। ऑलराइट, कुछ ग्रामर के रूल हैं, हम उसको बहुत जल्दी से बताएंगे और मैं आपको श्योर करता हूं कि कुछ मिनटों में ही आपका कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द बोर्ड, अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। ऑलराइट पीपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 150 prepositions होते हैं, okay? इन prepositions को हमने 5 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1, सिंपल प्रेपोजिशन। ओके, सिंपल प्रेपोजिशन। नंबर 2 है डबल प्रेपोजिशन। नंबर 3 कंपाउंड प्रेपोजिशन। एंड नंबर 4 है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। एंड नंबर 5 है फ्रेज प्रेपोजिशन। गाइस, प्रेपोजिशन का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, तो हम इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जा करके सबसे पहले हम एक पहला वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसे बोलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। ऑलमोस्ट आपको 70-80% इससे आइडिया हो जाएगा कि प्रेपोजिशन को कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ऑलराइट, सो हम आज समझेंगे सिंपल प्रेपोजिशन। ऑलराइट गाइस, सिंपल प्रेपोजिशन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशंस, इन राइटिंग एज वेल। जैसे कि अक्सर आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं बात करूं इन, ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल प्रेपोजिशन की। सिंपल प्रेपोजिशन मतलब एक सिंपल वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो जिस तरह के छोटे छोटे वर्ड इन, एट, टू, ऑफ, फ्रॉम, अंडर, ओवर, फॉर, अबाउट, सिंस, अबव, बाय, विद, इन सब के ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक एक तरह का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब इनका हम यूज सीखेंगे कि मोस्ट कॉमन यूज क्या है। देखिए, अगर आप हिंदी में बात करें तो इनका मतलब होता है अंदर, एट मतलब पर, हम इसको एक एक करके समझते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, अब हम बात करेंगे उन प्रेपोजिशंस की जिसमें अंडरस्टैंडिंग में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनका मतलब लगभग एक जैसा होता है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे टू और टूवर्ड्स को। देखिए, टू एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला प्रेपोजिशन है जो कि हमेशा डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑलराइट, जैसे कि मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है स्कूल की। राइट, जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मीट यू, तो इसका मतलब मैं आपकी तरफ आऊंगा आप मिलने के लिए। तो टू का मतलब बहुत सिंपल होता है, ये डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, अब ये टुवर्ड्स भी दिशा बताता है. अब इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, मैं अब एक और सेंटेंस लिखता हूं. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल. देखिए सेंटेंस दोनों ही सही हैं, लेकिन इनके मतलब अलग हैं. अब पहले वाले सेंटेंस में मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब कि मेरी जो मेरा जो एक्शन है वो स्कूल तक है, बिल्कुल एक निश्चित जगह मैं जा रहा हूं. अब यहां मैंने बोला कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स टू स्कूल, इसका मतलब है मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं. हो सकता है कि स्कूल से पहले कोई एक छोटी दुकान है और मुझे वहां जाना है, लेकिन मुझे बताने के लिए, क्योंकि उस दुकान को लोग जानते नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल. ऑलराइट, टू नियर बाय दैट शॉप. इसको और आसानी से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब इस सेंटेंस में ये निश्चित हो गया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं. ऑलराइट, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, इसका मतलब हो गया कि ये निश्चित नहीं है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं. हो सकता है कि मैं गाजियाबाद में रुक जाऊं, तो मेरी जो डायरेक्शन, मेरी दिशा है वो दिल्ली की तरफ है, लेकिन मेरा जो डेस्टिनेशन है, जो मुझे जहां जाना है वो दिल्ली नहीं है. लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैं ये क्लियरिटी बता रहा हूं कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूं. ओके, आई एम श्योर दिस टू एंड टूवर्ड्स अब आपको कभी भूलेंगे नहीं. आइए चलते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ टू का. देखिए टू मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी लैंग्वेज में, बहुत ढेर सारे रूल हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा. अक्सर जैसे हम बोलते हैं कि जब आप लिफाफा देते हैं तो उसमें भी जिसको आपको लिफाफा देना होता है, मतलब आपकी तरफ से वो लिफाफा जा रहा है, तो आपने लिखा टू अमित. ओके, इसका मतलब आपने ये प्रेजेंट अमित को दिया, तो ये भी एक दिशा बताया कि भाई ये आपकी तरफ से, सब्जेक्ट की तरफ से अमित की तरफ गया. तो एक तरह का यूज टू का ये भी होता है. ऑलराइट, और अगेंस्ट हम यहां पे प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादा हम ना उलझे. लेट्स गो टू दी डिफरेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो है क्या यूज ऑफ ऑन, अबव और ओवर. अगर मैं आपसे इनका हिंदी में मतलब पूछूं, आप सीधे बताएंगे पर, किसी चीज पर कोई चीज रखी हो या ऊपर. ऑलराइट, इसका मतलब है. लेकिन ये यूज कहां पर होते हैं, इनको हमें यूज करना कहां है? देखिए ये हम एकेडमिक्स में भी बहुत बार आता है. अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां पे हमें ऑन लिखना है, कहां पे हमें अबव लिखना है और कहां पर हमें ओवर लिखना है, तो मैं इस सिचुएशन को आज इतना अच्छा क्लियर करूंगा कि आप इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे. जैसे कि अगर मैं बोलूं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑन. ऑन का मतलब होता है जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग एक सरफेस पर टच करके रखी हुई है ऊपर. जैसे कि मैं बोलूं कि द कप इज ऑन द टेबल, इसका मतलब है कप टेबल के ऊपर है. राइट, अगर मैं बोलूं कि ये मेरी टेबल है तो ये जो कप है वो इसके ऊपर है, ये कप है. ऑलराइट, तो ये कप इस टेबल के ऊपर है. देखिए ये इसे टच हो रहा है, मतलब सटा हुआ है. तो हम जहां पर भी कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो टच हो, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं. अबव और ओवर का यूज नहीं हो सकता उस सिचुएशन में. आई एम श्योर एक ही एग्जाम्पल में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. कहीं पर भी अगर आप देखें, द बुक इज ऑन दी बेड, क्योंकि वो बेड से टच है, हवा में नहीं है वो. राइट, आई एम श्योर इट्स क्लियर. नाउ अब हम चलते हैं अबव के ऊपर. देखिए अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है. जब कोई चीज एक सरफेस से टच नहीं कर रही है, जैसे कि मैं आपको बोलूं
कि द फैन इज अबव माय हेड. ओके, फैन जो है वो मेरे सिर के ऊपर है, राइट. एक ये फैन है, मैं एक फैन ड्रॉ करता हूं आपको छोटा सा, ऑलराइट. और मान लीजिए कि अगर ये एक व्यक्ति है जो यहां बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति के ऊपर ये पंखा है, इसके सिर पे टच नहीं कर रहा है, तो ये अबव होगा. ऑलराइट, मैं आपको ओवर का भी डिफरेंस बताऊंगा, अबव एंड ओवर में. यहां पर ये समझेंगे कि अगर मैं बोलूं कि देयर इज ए लाइट बल्ब अबव माय हेड, एक लाइट बल्ब मेरे सिर के ऊपर है. ऑलराइट, तो वहां पे ऑन नहीं लिखेंगे कि देयर इज ए लाइट बल्ब ऑन माय हेड और देयर इज अ फैन ऑन माय हेड, क्योंकि आपके हेड से वो टच नहीं कर रहा है, वो आपके ऊपर है, लटका हुआ है. ऑलराइट, आई एम श्योर दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू गाइस, राइट. नाउ चलते हैं ओवर के ऊपर. अब ओवर का मतलब भी ऊपर होता है. ऑलराइट, इसको समझने के लिए आप देखिए, जब भी कोई चीज दो दीवालों या कम से कम दो दीवालों पर टिकी हो, वहां पर हम ओवर लिखते हैं. देखिए, हवा में नहीं लेकिन वो टिकी हुई है दो सतहों पर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ये नदी है और इसके दोनों तरफ एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, एक तरफ से यहां अटैच है, एक तरफ से यहां अटैच है, और बीच में जगह है, आप यहां से पास हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवर लिखते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं कि द रूफ इज ओवर माई हेड. अब मेरे सिर के ऊपर रूफ है, मतलब ये छत है, राइट. ऐसे हम एक ब्रिज का एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. ओके, आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो क्लियर. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द रूफ इज ओवर माई हेड. ये अबव भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा, ये होगा ओवर माई हेड. ओके, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, द रूफ इज ओवर माई हेड. ओके, जहां पर दो सतहों पर ये चीज टिकी हुई है. ऑलराइट, सो दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल विच एक्चुअली क्लियर ऑन अबव एंड ओवर. आई एम श्योर दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस. देखिए, अभी हम थोड़ा सा और मैं इसमें बताना चाहूंगा, अबव एंड ओवर के और ज्यादा भी यूज है. लेट्स क्लियर द बोर्ड फर्स्ट. देखिए, अब हम फोकस करेंगे अबव एंड ओवर. आई एम श्योर ऑन तो क्लियर हो गया कि जो भी चीज किसी सरफेस से टच है और अगर वो उसके ऊपर है तो ऑन होगा. अबव एंड ओवर के बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिससे कि एटलीस्ट ये दो वर्ड जहां कहीं भी आपको लगाने हो वहां पर आप आसानी से इनको यूज कर सकेंगे. पहला, देखिए, जब कभी भी एक संख्या, एक डिजिट की बात हो रही हो, जहां पे हम एक कंपैरिजन करें कि इतना ज्यादा है, जैसे मैं बोलूं कि एक छोटा सा सेंटेंस है कि देयर आर अबव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, कि जहां पे एक तरह से वर्ड हो ज्यादा, ज्यादा ज्यादा वाली फीलिंग हो रही हो और एक कंपैरिजन हो रहा हो. कि अगर मैं बोलूंगा कि देयर आर अबव 100 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो हो सकता है कि किसी क्लास में 100 से कम भी हो, राइट. तो जहां पर इस तरह का संख्या की बात हो रही होती है वहां पर अबव हम यूज करते हैं. नाउ दूसरे सिनेरियो में, जहां पर संख्या पूर्ण हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि मोहन इज ओवर द एज ऑफ 30 ईयर. ओके, अब यहां पर मोहन ने 30 साल पूरे कर चुका है और हम बात कर रहे हैं कि 30 साल से ऊपर है, तो वहां पर जहां पर कोई संख्या पूरी हो जाए तो वहां पर ओवर का यूज करते हैं, अबव का यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, देखिए, ओवर का एक और यूज है जहां पर हम बात करें आसपास की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी हॉट
over there. तो यहां पे ये हुआ आसपास. ओके, तो यहां पर भी हम over यूज कर सकते हैं. It is very cold over there. It is very dusty over there. इस तरह के यूज हो जाते हैं. over को हम यहां पे भी ऐसे यूज करते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, ओवर को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जब किसी सरफेस को एक चीज ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, तो हम उसको वहां पे भी ओवर यूज हो सकते हैं. जैसे कि देयर इज अ बेडशीट ओवर द बेड. ओके, आई एम श्योर इट इज क्लियर. सो गाइस, ऑन, अबव एंड ओवर, आई एम श्योर आपको इसमें कोई परेशानी अब नहीं होगी. अब हम नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन की बात करेंगे जिनमें हम अक्सर इश्यूज हो जाते हैं और उसको भी हम बोर्ड पे बहुत आसानी से समझेंगे. और वो है, देखिए, इन का मतलब भी अंदर होता है, एट का मतलब होता है उसके पास, और अंडर मतलब नीचे. अब हम इसको समझेंगे कैसे. बहुत आसान तरीका है इसको समझने का. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. मान लीजिए कि ये एक घर है. घर में ये एक पक्षी है. पक्षी ड्रॉ कर दिया. ऑलराइट, दिस इज अ बर्ड. ये घर है. ऑलराइट, यहां पर हम एक छोटा सा दरवाजा भी ड्रॉ कर देते हैं. चलिए इससे समझते हैं. ये घर है. अब वेरी सिंपल, इसका इनका मतलब होता है अंदर. अब मैं बोलूंगा द बर्ड इज इन द हाउस. ऑलराइट, तो आपको इनका मतलब समझ में आ गया. अगर किसी क्लोज बॉक्स हो, हाउस हो, उसके अंदर कोई भी चीज है तो वहां पर इनका यूज होता है. अब बात करते हैं एट. देखिए, ये पक्षी बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा द बर्ड इज एट द डोर. डोर के बिल्कुल नजदीक. ओके, तो यहां पर हम एट यूज करेंगे. अगर हम यहां पर एक टेबल बना दें और अगर यहां पर एक कैट है, तो अब ये कैट टेबल के अंदर नहीं है, ये इन में नहीं है, ये अंडर है. ऑलराइट, जब किसी भी चीज के नीचे की तरफ, ऐसे बोलेंगे. ऑलराइट, नीचे की तरफ बोलना ज्यादा बेहतर है. तो आई एम श्योर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया. तो मैं इस तरह से इस सेंटेंस को बनाऊं कि द बर्ड is in the house. दूसरा सेंटेंस हो गया, the bird is at the door. और तीसरा सेंटेंस हो गया, the cat is under the table. Alright guys, I'm sure आपको यह समझ में आ रहा है कि कहां पर हम इन, कहां पर हम एट और कहां पे अंडर का यूज करेंगे. देखिए, इन और एट का यूज थोड़ा डिफरेंट तरीके में भी यूज किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि I live in Delhi. Alright, लेकिन अगर आप एक छोटे कस्बे में रहते हैं, छोटा कस्बा, alright, बड़ा शहर नहीं, तो आप वहां पर एट लगाएंगे, मोहल्ला. जैसे मैं बोलूं कि आई लिव एट शाहीन बाग इन दिल्ली. ऑलराइट, क्योंकि शाहीन बाग एक छोटी जगह है. आई एम श्योर आपको इस बात ये भी क्लियर हो चुका होगा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा इसके अंदर है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है जिसमें मैंने बहुत लोगों को मिस्टेक्स करते हुए सुना है और देखा है. वो है फ्रॉम और ऑफ. देखिए, फ्रॉम का मतलब होता है से, और ऑफ को भी हम से ही, से वाले ही सेंस में यूज करते हैं. ऑलराइट, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है. आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. ऑलराइट, जैसे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु
एक सरफेस से जहां पर वो पहले रखी हुई थी हटा दी जाती है, जैसे कि एक डाली पर एक फल है, अगर फल तोड़ दिया जाए, ऑलराइट, या फिर अगर मैं बोलूं कि टेबल पर से पेन उठा लो, ऑलराइट, टेबल पर से, यहां पे भी से आ रहा है, पेन को उठा लो, ऑलराइट, और जैसे मंकी बंदर जो है वो पेड़ से कूदा, तो यहां से भी से आएगा, लेकिन वहां पे फ्रॉम नहीं लिखा जाएगा। जहां पर भी कोई चीज एक सरफेस पे टच है और वहां से वो हट के दूसरी तरफ जाती है, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और बहुत ही इफेक्टिव मैं बोलूंगा, जब हम फ्लाइट पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ हो रहा है, टेक ऑफ मतलब वो फ्लाइट जमीन को छोड़ रही है, टच थी या बोल रही है, तो वहां पे टेक ऑफ हो रहा है, इसलिए हमने उसको ऑफ का यूज करा जाता है। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम से मैं बोलूं, फ्रॉम का एग्जाम्पल, फ्रॉम दिशा बताता है, फ्रॉम दिशा बताता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के बाद हम बात करेंगे, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस फैमिली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस फैमिली, मैं एक छोटी बिजनेस फैमिली से आता हूं। तो देखिए स्मॉल बिजनेस फैमिली एक ऑब्जेक्ट है यहां पर। अब यहां से मैं बता रहा हूं कि मेरा जो एक डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जा रही है, सब्जेक्ट अपनी, ऐसा नहीं जब टू हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, और फ्रॉम का मतलब होता है कि एक मोशन, एक गति, एक दिशा, दिशा का हमें एक तरह का भाव होता है कि हम ऑब्जेक्ट से अपनी दिशा बता रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट से चलना शुरू किया है। अब यहां पर मैंने किसी सतह को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं एक जानकारी दे रहा हूं, यहां पर भी इसका मतलब से ही है। एक ऑफ हम बता दें जिससे कि आपको और आसानी से आ जाएगा, जैसे कि द मंकी जंप ऑफ द ट्री। अब देखिए यहां पर बंदर ट्री से मतलब पेड़ से कूदता है, अब यहां पे भी इसका मतलब से ही हुआ, लेकिन इस बंदर ने उस पेड़ की सतह को छोड़ दिया, तो इसलिए हमने यहां पर ऑफ का यूज किया। ऑलराइट, जैसे कि एक और एक सेंटेंस ले लें कि प्लीज रिमूव, प्लीज रिमूव this book off the table, okay? आप देखिए क्योंकि book table पे रखी हुई है और हम बात कर रहे हैं कि please remove the book off the table, top table से उस book को उठा लो, तो यहां पर भी इसका मतलब से हुआ, लेकिन यहां पर हमने off का use किया। तो off और from बहुत confusion होता है, बहुत लोग mistakes करते हैं, है ना, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जहां पर भी सतह को छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं गेट ऑफ द बाइक, एक और होता है हमने एग्जाम्पल दिया टेक ऑफ द प्लेन, तो यहां पर देखिए बाइक से उतरो, प्लेन ने टेक ऑफ किया, सतह छोड़िए, यहां पर हर जगह ऑफ का यूज होगा, से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं होगा। फ्रॉम का यूज मैंने आपको बता दिया कि कहां पे होता है, कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट हम देख चेक करते हैं क्विकली, विद और बाय। देखिए विद का मतलब होता है साथ और बाय का मतलब होता है द्वारा। ओके, विद एंड बाय, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन उन लोगों को हो जाता है स्पेशली जिनको इसके बारे में पता नहीं है, मतलब लगभग एक जैसा ही फील होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मोहन कम्स टू स्कूल
with his bicycle. ओके देखिए मोहन ने साइकिल ली क्योंकि वो उसके साथ है इसलिए हमने विद का यूज किया है. मोहन स्कूल अपनी साइकिल के साथ आता है. ऑलराइट मतलब साइकिल चलाते हुए आता है. आई एम श्योर इसमें क्लियर है. लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरह का हो कि मोहन कम्स टू स्कूल बाय हिज मोटरसाइकिल, इसका मतलब क्या है भाई? एक जगह हमने विल लिखा, एक जगह हमने बाय लिख दिया. यहां पर मोहन उस साइकिल को अपने पैरों के साथ पैंडल मार करके चलाता है. मतलब साइकिल अपने आप नहीं चल रही है, मोहन के साथ, मोहन के एफर्ट्स के द्वारा वो साइकिल चल रही है. तो जहां पर भी ह्यूमन एफर्ट्स किसी भी चीज में आएगा तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में मोहन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, चाबी घुमाई, बाइक शुरू कर स्टार्ट करता है और वो स्कूल आ जाता है. इसका मतलब बाइक मोहन को लेके आती है, ऐसा नहीं कि मोहन उसको खींच करके अपने एफर्ट्स के थ्रू लेके आता है. तो इसलिए हमने यहां पर बाय यूज किया. एक और सिंपल सेंटेंस देखें कि अमित किल्ड अ बॉय विद अ नाइफ. अमित किल अ बॉय विद अ नाइफ. अब नाइफ एक चाकू, अमित ने अपने हाथ के फोर्स से उस बच्चे को मारा, इसका मतलब यह है. लेकिन अगर यही सेंटेंस होता कि अमित किल्ड अ बॉय बाय द गन. अब देखिए गन जो है अमित ने सिर्फ ट्रिगर दबाया और गन खुद ब खुद चली. तो गन को चलाने में अमित ने कोई फिजिकल एफर्ट्स इतना ज्यादा नहीं किया. ऑलराइट क्योंकि गन खुद ब खुद चली. तो इसीलिए हमने बाय का यूज किया. तो जिन मशीन्स के थ्रू जो कि हमें हमारे एफर्ट्स को कम कर देती है वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, और जहां हमें अपने एफर्ट्स लगा करके कोई काम करते हैं वहां पे हम विद का यूज करते हैं. ये काफी एग्जाम्स में अक्सर आता है और हमें अपनी जनरल लैंग्वेज में भी यूज करना चाहिए. आई एम श्योर आपको ये क्लियर नहीं होगा. आई एम श्योर दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. अगर आपको किसी तरह का भी कोई इश्यू है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू ask मी द क्वेश्चन इन द कमेंट सेशन सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू. तो यहां पर हमने सिंपल प्रेपोजिशन के जो कंफ्यूजन थे उनको क्लियर किया है, और आई एम श्योर आपको ये क्लास पसंद आएगी. अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe my channel. So that's all from my side, guys. Thank you so much for watching the videos. I wish you have a lovely day ahead. Thank you. Bye-bye.